इसके कुछ ही सालों के बाद एक डच नेशनलिस्ट था एंटीवॉन लीवनहुक, इसने ये कहा कि जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको एनिमल क्यूल्स कहा जा सकता है, और इसने टाइनी ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे। इसने जो टर्मिनोलॉजी है एनिमल क्यूल्स इसको मुतारिफ किया, इसने जो आर्टिजन लिए थे वो पोंड वाटर से लिए थे। नेक्स्ट 1.5 सेंचुरी के बाद सेल्स के ऊपर जितना भी काम था वो बायोलॉजिस्ट उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने ये प्रपोज किया कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज। मतलब ये कि लाइफ को प्रेजेंट होने के लिए, लाइफ को ओरिजिनेट होने के लिए सेलुलर टिश्यूज की जरूरत होती है। सेल के अंदर ऑफ कोर्स डीएनए होगा जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, और उससे डिवीजन होगी और फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। इन 1831 अ ब्रिटिश बोटैनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन दी सेल। जो रॉबर्ट ब्राउन है इसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को इन्वेंट किया।